हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो नाउ कंटिन्यू अवर क्लास 12 चैप्टर 7। सो नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज सल्फर। अभी हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे थे ग्रुप 16 में। अब नेक्स्ट देखते हैं सल्फर। सो सल्फर हैव टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स। वन इज कॉल्ड रोमिक सल्फर दैट इज आल्सो नोन एज अल्फा सल्फर एंड सेकंड वन इज मोनोक्लिनिक सल्फर दैट इज नोन एज बीटा सल्फर। सो हम इसको डिफरेंस के फॉर्म में डील करते हैं। क्लियर। सो रोमिक सल्फर that is formed by evaporating the solution of bole of sulfur in CH2। जब हम सल्फर को CH2 के रोल्स के फॉर्म से मतलब CH2 को इवेपोरेट कर लेते हैं क्या मिलता है आपको? रोमिक सल्फर मिलता है। रोमिक सल्फर का कलर येलो होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 385.8 केल्विन। वहीं इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो इससे कम टेंपरेचर पर मतलब 369 से कम टेंपरेचर पर ये स्टेबल होता है। इससे ज्यादा टेंपरेचर करने पर ये मोनोक्लिनिक सल्फर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्वेश्चन भी आता है ट्रांसफॉर्मेशन टेंपरेचर। क्लियर। सो द टेंपरेचर इन व्हिच रोमिक सल्फर ट्रांसफॉर्म इनटू मोनोक्लिनिक सल्फर। कहने का मतलब यदि 369 से हम ज्यादा टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में रोमिक सल्फर मतलब अल्फा सल्फर जो बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे कम टेंपरेचर पर ये स्टेबल होगा, इससे ज्यादा टेंपरेचर पर ये मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाता है। वही हम अल्फा सल्फर की बात करें तो अल्फा सल्फर दो तरह के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक तो होते हैं सल्फर 8 जिसमें 8 सल्फर एटम इंक्लूड होते हैं, वही सल्फर 6 मतलब टू फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर में जैसे बीटा सल्फर की बात करें सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग ऑफ रोमिक सल्फर। रोमिक सल्फर से ही मोनोक्लिनिक सल्फर ऑब्टेन किया जाता है। इट इज अ कलरलेस। वहीं इसके मेल्टिंग पॉइंट जो है इससे हाई होता है 369 केल्विन। इसकी स्टेबिलिटी इस टेम्परेचर से ज्यादा में होती है, इससे ज्यादा टेम्परेचर में इसका फॉर्मेशन होता है। सो इस दैट इज स्टेबिलिटी अबाउट द 369 केल्विन। वहीं हम इसके फॉर्म की बात करें तो ये S8 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये डबल फॉर्म नहीं होते। तो इस तरह से S8 यदि स्ट्रक्चर आता है तो वो अल्फा रोमिक का भी होगा और बीटा सल्फर का भी होगा। बट यदि A6 आता है A6 होता है ओनली ऑन अल्फा सल्फर। क्लियर। Here question you have to that which form of sulfur shows paramagnetic behavior। paramagnetic को किस जगह में पता है हमको? जब last में one unpaired electron होते हैं उसका नेचर paramagnetic होता है। तो इस केस में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सल्फर के बारे में देख रहे थे। देखिए इन वेपर स्टेट है सल्फर पार्शियली एग्जिस्ट। अभी आप लोगों ने सल्फर का रोमिक फॉर्म देखा था, मोनोक्लिनिक फॉर्म देखे थे, बट वेपर में तो सल्फर H2 फॉर्म में प्रेजेंट है। अब एस टू नेचर को हम कंपेयर करते हैं इससे O2 से। तो चलिए O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है अकॉर्डिंग टू NOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो उसमें देखिए सिग्मा वाले स्टू सिग्मा स्टार वाले स्टू मतलब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। इस तरह से हम लास्ट को देखें, यहां पे देखिए लास्ट में क्या है? इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। क्या है? इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। और अनपेयर्ड में इसका नेचर क्या होता है? दैट्स नेचर इज इन पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड एलिमेंट्स की नेचर क्या है? पैरामैग्नेटिक। अब सिमिलरली आपको पता है ऑक्सीजन का जो ग्रुप है वही ग्रुप किसका है? सल्फर का। तो यदि हम H2 का भी निकालें उसके भी लास्ट 5 इलेक्ट्रॉन में क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका जो नेचर हो गया वो पैरा मैग्नेटिक। यदि क्वेश्चन आता है तो इसमें आएगा पैरा मैग्नेटिक नेचर सल्फर इज S2। सो हियर दैट इज इन नेक्स्ट इज कंपाउंड ऑफ सल्फर। सो फर्स्ट वन इज सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें प्रिपरेशन देखते हैं तो प्रिपरेशन मेथड सो इन पार्शियली फॉर्म में से बहुत ही कम रेसिड्यू होता है सल्फर दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। यदि हम सल्फर को एयर प्रेजेंस में बर्न कराते हैं तो उस कंडीशन में ये सल्फर यहां सॉलिड फॉर्म में है ऑक्सीजन गैसियस क्या बनेगा? SO2 गैसियस फॉर्म क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड। ये बहुत ही कम रेशियो होता है मतलब 6-8% सल्फर जो है इस सल्फर डाइऑक्साइड इस मेथड से फॉर्मेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इन लेबोरेटरी दैट सल्फाइड ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इस कंडीशन में देखिए सल्फाइड ले लीजिए, सपोज हम एग्जांपल ले लीजिए सोडियम के सल्फाइड Na2SO3 और ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्लियर।
अब इन दोनों का मैं यहां से सोडियम कंबाइन विद सपोज सल्फेट यहां क्या बचा H2O3 2- प्लस 2H प्लस सो दैट गिव्स H2NO H2O प्लस H2O2 क्लियर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन एंड रिमेनिंग 1 सल्फर इनटू ऑक्सीजन दैट फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड नेक्स्ट इज रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ऑक्स आयरन इज सल्फाइड ऑक्स ये जो बात कर रहे हैं यहां पे जैसे ए की एस सल्फाइड ऑक्स तो इसको हम लिखेंगे यहां पे करते हैं कि O B प्लस A S O 2 क्लियर सो हियर दैट इज इन इस केस में देखिए जब सल्फाइड ओर्स को क्या करते हैं जगह पर हीट किया जाता है द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सो क्लियर है वो तो क्या बना वहां पे आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तो फॉर्मेशन होता है ये प्यूरिफिकेशन मेथड्स में यूज किया जाता है क्लियर मतलब ओर्स को जब हम हीट करते हैं तो उस कंडीशन में रोस्टिंग करते हैं तो क्या बना वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन सही है नेक्स्ट इज इन प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी के लिए कि सल्फर डाइऑक्साइड इज कलरलेस गैस इन प्रेजेंट इसमें बहुत ही तीव्र स्मेल आता है इसमें से और एक कलरलेस होते हैं हाईली सॉल्युबल इन वाटर वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल है इट इज लिक्विफाइड मतलब गैस से लिक्विफाइड होकर 25 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर क्या होना चाहिए 288 प्रेशर और बॉइलिंग का 263 केल्विन यदि हम इसका रिएक्शन कराएं क्रिएट विद वाटर में सल्फ्यूरस एसिड यदि वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो सल्फ्यूरस एसिड देगा देखिए क्वेश्चन आता है जनरली व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड चलिए रिएक्शन कराते हैं जिस तरह से आप सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद H2O दैट आल्सो फॉर्म H2CO3 जिस तरह सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करे क्या दे रहा है H2SO3 दे रहा है वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं H2CO3 यदि ये क्वेश्चन आता है व्हाट द सिमिलैरिटीज बिटवीन द सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो आप ये रिएक्शन सो कर सकते हैं सिमिलरली इट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विद सोडियम बाइसल्फाइड यहां पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन करा रहा है यहां पर बन रहा है Na2 SO3 plus H2 जब इस प्रोडक्ट का फिर से किसके साथ रिएक्शन कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ यहां बना सोडियम बाई सल्फाइड सेम रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं यहां पे 2 NaOH plus CO2 मैं एक रिएक्शन करा रहा हूं बाकी अभी आप कंप्लीट करेंगे इसके रिएक्शंस जब करते हैं तो ये होगा Na2 CO3 plus H2O सिमिलरली फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहां पे बनेगा अगेन CO2 दैट शिफ्ट्स 2NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है सो दिस टू रिएक्शंस आर शोस द सिमिलैरिटीज बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के बीच जो है एक जैसे होते हैं उसको ये रिएक्शन शो करता है तो इस क्वेश्चन को आप फाइंड आउट करेंगे और प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं सो हियर दैट नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इन सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरीन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल दैट गिव सल्फ्यूरिक क्लोराइड जिससे फॉर्मेशन होता है सल्फ्यूरिक क्लोराइड हम जब सल्फर डाइऑक्साइड को यदि ऑक्सीडाइज करते हैं द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड दैट गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड ये प्रिपरेशन मेथड जो यूज करते हैं जब सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम ब्रेक करते हैं तो देखा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो एक मिनट आप इसको भी लिख सकते हैं बट जब सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है तो देखा सल्फर ट्राइऑक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट क्वेश्चन आता है गिव देम रिएक्शन विद द सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यहां देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना प्लस 3 बट इसको जब SO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहां कितना हो गया प्लस 2 सो ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज हो कौन सा प्रोसेस हो रहा है दैट इज रिडक्शन और रिडक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड सो सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग
एजी क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रिपरेशन। सो हियर नेक्स्ट इज इन यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सो सल्फर डाइऑक्साइड की यूज किए की हम बात करें, सो दैट इज इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर। शुगर और पेट्रोलियम से रिफाइन करते हैं, जैसे कि उसको यदि कुछ इम्प्योरिटीज हो तो उसको रिफाइन करने में यूज किया जाता है। वही ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क, वूल और सिल्क को ब्लीच करके मतलब उसमें पहले से कलर प्रेजेंट होते हैं उस कलर को रिमूव करने में इसका यूज करते हैं। इट इज इन एंटी क्लोर डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट में यूज है वहाँ पे इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए और प्रिजर्वेटिव, जैसे फूड प्रिजर्वेटिव हो तो फूड मटेरियल को स्टोरेज रखने के लिए किया जाता है। वही इसका जो वाइटल रोल होता है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एच2SO4 सोडियम बाइसल्फाइड कैल्शियम बाइसल्फाइड फॉर्म में करते हैं। तो ये है इसका यूजेस क्लियर। नेक्स्ट यदि बात करें तो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। सो कौन सा जो इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है उनको सॉल्वेंट मतलब डिजॉल्व करने के लिए इसका यूज सॉल्वेंट फॉर्म में किया जाता है क्लियर। सो कंप्लीट दैट सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड।